दम है तो अकेले चुनाव लड़कर देख ले, बिना बैसाखी के सहारे नीतीश कुमार चल नहीं सकते। यह मैं नहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं। दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। इन दिनों राजनीति हलकों में चर्चा बड़ी तेज थी कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला सकते हैं और फिर एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे आगामी विधानसभा चुनाव। लेकिन इस पर भी विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री बने रहने नहीं देना चाहती है भाजपा के कुछ नेतागण। भाजपा के नेताओं में भी दो खेमा दिख रहा है। सुशील मोदी भाजपा के प्रति वफादार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अन्य नेताओं का मानना है कि 15 साल तक नीतीश कुमार को हम लोगों ने समर्थन दिया, बर्दाश्त किया, अब बिहार की गद्दी भारतीय जनता पार्टी के हाथ होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी पीछे से सहयोग करें। बात उचित लगती है। इन बातों के बाद नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ संपर्क साधना प्रारंभ किया, कई नेतागण से बातें शुरू हुई, चर्चा खुलकर सामने आई, मगर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दम अगर नीतीश कुमार जी को है तो बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़कर देख ले, अकेले लड़के फड़िया ले, और वो 15 साल से बिना बैसाखी के सहारे एक कदम नहीं चल सकते। बड़ी बड़ी बातें करनी आसान बात है, मगर जनता के बीच में जाकर अकेले मत लेकर सरकार बना लेना बड़ा ही कठिन है। पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और राष्ट्रीय जनता दल के सहारे वो सत्ता में आए और राष्ट्रीय जनता दल के साथ रातों रात धोखा देकर भाजपा के पाले में जाकर भाजपा के गोद में बैठ गए। उनकी नीयत और नीति सही नहीं है, वो केवल अपने कुर्सी के लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, वो भाजपा के इर्द गिर्द घूमने वाले नेता हैं, भाजपा के साथ रहकर भाजपा से सहयोग लेकर मुख्यमंत्री भी रहते हैं और भाजपा के नीतियों का विरोध भी करते हैं। जनता को भ्रम में डालने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए नीतीश कुमार जी और उनके दल के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। नीतीश कुमार जी का दमनात्मक कार्य जारी है और उनके सहयोगी बने हुए हैं सुशील कुमार मोदी, जो अपने उप मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की युगल जोड़ी ही है जो बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो चुका है, अपराधी बेलगाम हो चुका है, चारों ओर कोहराम मचा हुआ है, अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से बिहार में बढ़ी कि ऐसा मानो लगता है कि माफिया तंत्र ही सरकार को चला रही है और अपराधी के सामने नीतीश सरकार घुटना टेक चुकी है। पुलिस वाले असहाय हैं, होम डिलीवरी शराब की हो रही है, गुटखा बंदी के बाद करी गई गुटखा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उन्हें केवल लालू परिवार के अलावे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लालू परिवार नीतीश और सुशील मोदी करते हैं और अपनी नाकामियों को छिपाकर लोगों को डरवाने का प्रयास करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। बिना बैसाखी के नीतीश कुमार जी अब तक नहीं चल पाए हैं। दम है तो एक बार चुनाव वो अकेले
मैदान में आकर लड़ लें और भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी भी अपने भाजपा को कहे वो भी अकेले चुनाव लड़कर फरिया ले। बड़े ही मुखर होकर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया और तेजस्वी यादव ने कहा कि केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए बयान दिया जाता है, केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाता है। जितनी भी गलतियां भाजपा और जदयू के लोगों की होती है तो उसे दबा दिया जाता है, उसे प्रचारित नहीं किया जाता है और विरोधी दल के नेताओं को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जाकर फंसाने का काम किया जाता है। फिर एक बार उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा करते हुए कहा कि बिना बैसाखी के सहारे दम है तो चुनाव लड़के एक बार फरिया ले राष्ट्रीय जनता दल से। उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आखिर कौन कितना पानी में है और राष्ट्रीय जनता दल में नीतीश कुमार जी की एंट्री बंद है, उन्हें किसी भी सूरत में राष्ट्रीय जनता दल अपने साथ नहीं ले सकती क्योंकि वो धोखा देते हैं और धोखेबाज हैं। उन्होंने बिहार के जनता को धोखा दिया, जनता ने मत दिया साथ रहकर चुनाव लड़ने के नाम पर, लेकिन उन्होंने धोखा देकर फिरका प्रस्ताकतों से हाथ मिलाया जिससे जनता त्रस्त है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।